गाइस, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है जी। अभी सलमान खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया है, इंशाअल्लाह फिल्म की ऑफिशियल कन्फर्मेशन दे दी है। दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए और भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत उसके बाद दबंग थी और अब आएगी इंशाअल्लाह, ये टाइटल कंफर्म हो गया है दोस्तों। और उन्होंने लिखा है कि 20 साल बाद संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म में लीड रोल में जो हीरोइन का नाम सामने आ रहा था, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों में से कोई भी नहीं रहेगी और इस फिल्म में ना ही कोई SRK का कैमियो रहेगा। दोस्तों, ये इस फिल्म में सिर्फ सलमान खान और आलिया भट्ट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पहली बार हमें बिग स्क्रीन पर सलमान खान के ऑपोजिट आलिया भट्ट देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये फिल्म ना ही हिस्टोरिकल रहेगी, जो कि संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल फिल्म के लिए माहिर है, और ना ही एक्शन फिल्म रहेगी, जो कि सलमान खान एक्शन फिल्म के माहिर है। तो दोस्तों, ये एक रोमांटिक फिल्म रहेगी, तो देखना ये होगा, ये इस ज़माने की लेटेस्ट रोमांटिक फिल्म रहेगी। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? दोस्तों, मेरे ख्याल से ये फिल्म ईद के 2020 के ईद के मौके पर ही रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप कितने इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जितना बने उतना शेयर करिए दोस्तों।